हेलो स्टूडेंट्स आई एम सविता गुप्ता लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर वेलकम इन लर्न विद सविता तो एक्टिव पैसिव वॉयस के अगली सीरीज में हम जो लेने जा रहे हैं टेंस वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉयस कैसे बनाए ठीक है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो बहुत ही सिंपल है इसको पहचानना सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगा होता है हेड और इसके साथ दिया होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म बस सेंटेंस में हैड को देखिए और ओबियसली हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और यही पहचान है किसी भी सेंटेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस में होने की जैसे कि एक सेंटेंस यहाँ दिया है ही हैड डिसक्लोज्ड माई सीक्रेट तो आप देखिए यहाँ पर हैड दिया हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्क्लोज दिया हुआ है तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है अब इसका पैसे बॉयस कैसे बनाएंगे सिंपल जैसा कि रूल है कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करते हैं सब्जेक्ट बना करके रख देते हैं और फिर उसके बाद हम लगाते हैंडबीन और फिर इसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपल सबसे आसान टेंस है जिसका पैसिव वॉयस बनाना इतना इजी है तो यहाँ हमारा जो सेंटेंस है यहाँ इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है डिस्क्लोज्ड हमारा ऑब्जेक्ट है और माय सीक्रेट क्या है डिस्लोज हमारा वर्ब है और माई सीक्रेट क्या है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दे यहां पर बन जाएगा माई सीक्रेट हैड और इसके साथ बीन लग जाएगा हैड बीन ऑलरेडी डिस्क्लोज थर्ड फॉर्म तो दिया ही हुआ है डिस्क्लोज बाय ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा हिम तो माय सीक्रेट हैड बीन डिस्कलोज बाय हिम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दे हैड इनफॉर्म्ड हिम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हिम का यहां हो जाएगा ही और ही के साथ लग जाएगा हैड बीन इनफॉर्म्ड बाय देम ओके

नेक्स्ट ही हैड नॉट सेंड द पार्सल नेगेटिव सेंटेंस है कुछ नहीं करना है सिर्फ हैड के बाद नॉट लगा देना है तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आए द पार्सल हैड सिंपली नॉट लगा दें हैड नॉट बीन सेंड बाय आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा मी देन आई हैड नॉट कॉपीड योर आंसर्स आई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके ले आए योर आंसर्स हैड के बाद नॉट आ जाएगा हैड नॉट बीन कॉपीड बाय मी देन नो बॉडी हैड हेल्प मी इन माई टफ टाइम नो बॉडी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ठीक है तो नो बॉडी हैड हेल्प मी किसी ने मेरी सहायता नहीं की सेंटेंस नेगेटिव है इसका पैसिवर्स कैसे बनेगा मी का इसका सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा आई हैड नॉट बीन हेल्प्ड ठीक है नो को नोट कर दिया है तो बाई का कोई सवाल नहीं उठता इन माई टफ टाइम तो सेंटेंस हमारा क्या बना आई हैड नॉट बीन हेल्प इन माई टफ टाइम देन सम पीपल हैड अट्रैक्ट हिज फ्रेंड्स ठीक है तो सम पीपल सब्जेक्ट अटैक्ट वर्ब एंड हिज फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट तो हिज फ्रेंड्स को हम सब्जेक्ट की जगह ले आए हिज फ्रेंड्स हैड बीन अटैक्ट बाई सम पीपल सम पीपल अगर आप नहीं भी लिखेंगे छोड़ देंगे यहीं तक अगर सेंटेंस रखते हैं तो भी सही है दे हैड पब्लिश्ड द न्यूज़ अब देखिए न्यूज़ जो होता है वर्ड स्तर पर पब्लिश्ड होता है तो किसने पब्लिश किया ये बताना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है दे हमारा सब्जेक्ट है पब्लिश्ड वर्ब एंड द न्यूज़ क्या है हमारा ऑब्जेक्ट तो क्या बनेगा हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए द न्यूज हैड बीन पब्लिश्ड अब आपको बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है देन वाई हैड यू सोल्ड द कार वाई हैड डब्ल्यू एच लगा है ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो हम सिंपली यू से बनाना शुरू करें वाई और को को हैड को छोड़ दें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए द कार हैड अब यहां हैड ना लिखकर हैड को हैड के सामने लिखे हैड बिन सोल्ड बाय और वाई की जगह वाई लगा दे तो वाई हैड यू सोल्ड द कार का पैसे वर्स क्या बना वाई हैड द कार बीन सोल्ड बाय यू नेक्स्ट है हैड यू कॉल्ड मी हैड हैड को यहाँ छोड़ दें और यू से सेंटेंस बनाना शुरू करें बीच में जहां हैड आएगा उसे आगे लिख देंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मी का आई हैड बीन कॉल्ड बाई यू ठीक है तो हमारा क्या पैसिव आया Uh, had i been called by you then what had you taken before lunch subject verb ठीक है तो ये देखिए बिफोर लंच है ना व्हाट हैड इसका डायरेक्ट बनाएंगे हम व्हाट हैड के साथ बीन टेकन Before lunch by you. Okay, so what had been taken before lunch by you? Then what had you been sold? Then what had been सोल्ड बाय यू वॉट हैड बीन सोल्ड बाय यू हाउ हैड यू डन दैट ठीक है तो अगेन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हम यहाँ से बनाना शुरू करें कि दैट हैड दैट हैड बीन sold by you then यहाँ आगे how हाँ लगा दे how had that been sold by you then who had supplied the medicine तो who का sentence बनाने के लिए हम पहले एक rough बना लें कि the medicines had been Slide by होम मैं बार बार आपको ये बता रही हूं कि रफ बना करके फिर ही आप इसको फेयर बनाइए क्योंकि इसमें गलती करने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हो वाले सेंटेंस में खासतौर से डब्ल्यू एच हो आगे है तो बाई होम को हम ले आएंगे आगे यहां इसे काट देंगे यहां पर ले आएंगे बाई होम और हैड इसके बाद है तो इसके बाद हम हेड ले आएंगे और इसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे द मेडिसिन बीन सप्लाइड तो बाई होम हैड द मेडिसिन बीन सप्लाइड ठीक है तो रफ बना करके फ्री बनाइए और इसको काट दीजिए लेकिन जब आप काफी सारा प्रैक्टिस कर लेंगे डब्ल्यू एच का तो फिर आप डायरेक्ट बना भी सकते हैं है ना कोई बात नहीं है ऐसा देन सम पीपल हैड फॉलोड हर टू हर ऑफिस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट देन शी Had been followed. Some people ko छोड़ देंगे पहले भी आपको बताया है She had been followed कहा टू हर ऑफिस ठीक है तो यहां हम फास्ट परफेक्ट टेंस के सारे सेंटेंसेस लगभग हर टाइप के सेंटेंसेस हम निपटा चुके हैं तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए जहाँ से भी आपको मिल जाए आप इसकी प्रैक्टिस करिए और अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो या कोई सेंटेंस ऐसा आ गया कि आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर मांग बताइएगा ठीक है तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस कीजिए ओके थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो